इस फोन को बेस्ट फोन की कैटेगरी में दोबारा लाने का जो मेन पर्पस है, इसमें एंड्रॉइड 12 की अपडेट आ चुकी है और साथ में इसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में जो स्मार्टफोन मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ ना, सिर्फ इस पे 10-15 हज़ार रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, बल्कि इसमें आपको एंड्रॉइड 12 के साथ अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। यूआई का वर्जन भी अपडेट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर चेंजेस आ चुकी हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ इंक्लूड करवाए गए हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको मैं कंप्लीट डिटेल से बता सकूं किसने ये स्मार्टफोन परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, किसने परचेज नहीं करना और कितने का परचेज करना है, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डिटेल से बता सकूं। यहाँ पर मैं जिस स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको बता देता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G की। पहले यहाँ पर एक दो दिन पहले इसमें एंड्रॉयड 12 की अपडेट भी आ चुकी है और सैमसंग UI 4.0 की भी अपडेट आ चुकी है, वो भी नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आए हैं और कितनी इंप्रूवमेंट की गई है, वो भी सारी नेक्स्ट चल के डिस्कस करते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ, कुछ ओवरव्यू आपको दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले की। तो वेल यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट है और डिस्प्ले के एंड से मुझे इस डिवाइस से कोई भी इशू नहीं है, चाहे ब्राइटनेस की बात कर लीजिए, चाहे व्यूइंग एंगल की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पर मीडिया कंजप्शन की बात कर लीजिए। सो अगर आप एक ऐसा बंदा ना जिसको मीडिया कंजप्शन के लिए कोई फ़ोन चाहिए और साथ में अच्छा UI चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले के एंड से किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है और इस प्राइस टैग में अराउंड 65,000-67,000 के प्राइस टैग में 120 हर्ट्ज़ सैमसंग एमोलेड पैनल इस टाइम मार्केट में टॉप नॉच ऑप्शन है, जो कि मैक्सिमम आई थिंक सो यही है अगर स्पेक्स हो इस बात कर लीजिए। सो गाइस बात कर लीजिए इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो वैसे नंबर गेम की बात कर लीजिए तो बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, OIS है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5-5 मेगापिक्सल के दो सेंसर है और फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। वेल मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस डिवाइस का कैमरा इस प्राइस टैग में वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ, नंबर वन या नंबर टू पे कहीं ना कहीं मैं इसको रखने वाला हूँ कि 60-70 हज़ार के प्राइस टैग में इससे अच्छा कैमरा मैंने फिनपैक डिवाइसेस में अभी तक नहीं देखा है। नेक्स्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें मे भी कोई इससे भी अच्छा कैमरा आ जाए, अभी A53 भी आ रहा है, 73 भी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक की बात कर ली है तो इसका कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है और इसकी जो अपडेट आई है 1UI 4.0 के एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए गए हैं कैमरा में एंड्रॉयड 12 की अपडेट के साथ जो आई थी। ओवरऑल बात करूँ इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लो लाइट नॉर्मल डे टू डे लाइट पोर्ट्रेट मोड वगैरह हर चीज़ की बेस्ट है। इसका मैंने एक डिटेल कैमरा रिव्यू भी किया हुआ है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा गहराई में घुसना चाहते हैं ना, तो वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं डिटेल में कैमरा के ऊपर बात करूंगा तो ये वीडियो 20-25 मिनट की बन जाएगी, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उस पर बात कर लिए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो वेल इसमें भी ये टॉप नॉच है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G है, एक 5G चिपसेट है। गेमिंग की बात कर लिए तो 60 FPS PUBG आपको खिला देगा विदाउट एनी टूल और नॉर्मल डे टू डे यूज़ परफॉर्मेंस की बात कर लिए तो आपका किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आपको आने वाला, आपका अच्छे से गुजार हो जाएगा, तो गेमिंग और परफॉर्मेंस वाइज भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपडेट के बाद इस डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 12 भी आ चुका है और सैमसंग का UI लेटेस्ट जो है ना 1UI 4.0 वो भी आ चुका है और यहाँ पर इस अपडेट एक चीज़ मुझे सैमसंग की अच्छी लगती है कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मेजर अपडेट्स भी यहाँ पर देता रहता है। वेल यहाँ पर इस अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, लाइक प्राइवेसी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, सैमसंग हेल्थ में, होम स्क्रीन में, कैमरा डिपार्टमेंट में और भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हो जाए तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए इसके ऊपर बना दूंगा, लेकिन अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। और साथ ही बात कर लीजिए इस डिवाइस के बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मुझे एक लाइक है कि लाइक इसमें फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी, इस चीज़ से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि सैमसंग को ना अभी नंबर वाइज ऊपर आना चाहिए बैटरी डिपार्टमेंट सीरीज में ना, लाइक यहाँ पर 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर बॉक्स में 15 वाट का पावर ब्रेक निकल के आता है, लेकिन 15 वाट इज़ लेस आई थिंक सो 60-65 हज़ार के प्राइस टैग में ये कम है। साथ ही बात कर लीजिए ये डिवाइस किस यूज़र ने बाय करनी है, किस यूज़र ने बाय नहीं करनी। पहले इस डिवाइस में वो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी अवेलेबल हैं, लाइक नॉइज़ कैंसिलेशन, माइक, IP67 की रेटिंग, वाटरप्रूफ वगैरह, वो सारे एक्स्ट्रा चूंचले इसमें अवेलेबल है। वेल इस डिवाइस को किसने बाय करना है किसने नहीं करना, आई थिंक सो जिसके पास पैसे हैं ना वो इसे बाय कर सकता है, एक काफ़ी अच्छा
यूनिवर्सल ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है इस प्राइस टैग में। कैमरा भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, डिस्प्ले भी अच्छी है, यूआई वगैरह भी अच्छी है, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आप लोगों के लिए बन के आता है। नो गाइस, यहां पर लास्ट में बात कर लेते हैं, ये डिवाइस आपने किस प्राइस टैग में परचेज करनी है। वाला आपको पता होगा कि सैमसंग ने नाम ये A52s को और A32 वगैरह को ना पाकिस्तान में मैनुफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी प्राइस टैग पहले 82,000 थी जो कि ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये अराउंड 70,000 के आसपास की प्राइस आ चुकी है, और उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। अराउंड आपने ये डिवाइस 66 के आसपास परचेज करनी है, और आपको इजीली मार्केट में ये डिवाइस 65,000 से 70,000 के प्राइस टैग में देखने को मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, कौन सी मार्केट से परचेज करते हैं। आई थिंक सो 66 इज द बेस्ट प्राइस जो कि इस फोन की आपको इजीली मार्केट में देखने को मिल जाएगी, और इस प्राइस टैग में अभी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट के, टैक्सीज इतने हो चुके हैं, $200 से ऊपर वाले फ़ोन पर इतने ज़्यादा टैक्सीज हैं, और ये तो फ़ोन अराउंड $400 वाली डिवाइस है, तो अभी के लिए इसका बेस्ट प्राइस टैग है, इसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी आपके ओपिनियन है कमेंट करके बताइए, चैनल पर नए आके सब्सक्राइब कर ले, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।